दोस्तों, पहले 2020 में इन 11 शेरों के साथ मैदान पर उतरेगी बाबर आजम की सेना। इन नए युवा सिक्सर किंग को मिलेगी प्लेइंग 11 में जगह। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी, बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी पाकिस्तान टीम के कट्टर वाले फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 2020 मुकाबले के लिए कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 चुन ली है। दोस्तों, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में सीनियर खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों को भी रखा गया है। दोस्तों, टीम में एक युवा सिक्सर किंग को भी जगह दी गई है जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने 11 ऐसे खतरनाक खिलाड़ी को अपने प्लेइंग 11 में जगह दी है जो अपने अकेले दम पर मैच जितवा देंगे। दरअसल बाबर आजम ने अपने 11 शेरों की प्लेइंग 11 में ओपनर बल्लेबाजी में भी तब्दीलियां की हैं। दोस्तों, बाबर आजम ने पहले 2020 मैच के लिए ओपनर बल्लेबाज के तौर पर फखर जमान के साथ खुद को जगह दी है। दोस्तों, पहले 2020 मुकाबले में फखर जमान और कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि बाबर आजम PSL में भी ओपन करते हैं और वे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शानदार फॉर्म में हैं। इनके अलावा फखर जमान भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शानदार लय में हैं। वे पाकिस्तान की अपनी बल्लेबाजी से तेज शुरुआत दिला सकते हैं। वहीं इनके अलावा कप्तान बाबर आजम ने नंबर 3 पर युवा बल्लेबाज सैम अयूब को शामिल किया है। दोस्तों, सैम अयूब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में वे पाकिस्तान के लिए नंबर 3 पर काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। वहीं इनके अलावा नंबर 4 पर कप्तान बाबर आजम ने विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को शामिल किया है। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शानदार लय में हैं। वे पाकिस्तान को कई बार हारा हुआ मैच जितवा चुके हैं। ऐसे में उनका नंबर 4 पर आना पाकिस्तान टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। वहीं इनके अलावा कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर युवा सिक्सर किंग उस्मान खान को शामिल किया है। दोस्तों, उस्मान खान अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने PSL मैचों में 35 गेंदों में शतक भी लगाया है। ऐसे में वे नंबर 5 पर पाकिस्तान के लिए मैच फिनिशर साबित हो सकते हैं। वहीं इनके अलावा नंबर 6 पर कप्तान बाबर आजम ने इफ्तिखार अहमद को शामिल किया है। दोस्तों, इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान क्रिकेट चाचा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को नंबर 6 पर आकर बहुत दफ़ा मैच में जीत दिलाया है। साथ ही वे पाकिस्तान के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं इनके अलावा कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 2020 मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में 2 स्पिन गेंदबाज को शामिल किया है। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के ये दोनों स्पिन गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी से भी कमाल दिखा सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के ये दोनों ऑलराउंडर खिलाड़ी शादाब खान और इमाद वसीम है जो पाकिस्तान टीम को बल्लेबाजी में भी नीचे आकर मैच जिताने का मदद कर सकते हैं। दोस्तों, शादाब खान और इमाद वसीम की जोड़ी हमें 2020 वर्ल्ड कप में भी दिखने वाली है। वो इनके अलावा कप्तान बाबर आजम ने पहले 2020 मैच में 3 तेज गेंदबाज के साथ उतरती दिख सकती है। दोस्तों, कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान टीम में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह के अलावा तीसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल कर सकती है। दोस्तों, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम अपना रिटायरमेंट वापस लेकर पाकिस्तान टीम में वापसी करने जा रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की भी टीम की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। इनके अलावा नसीम शाह और शाहीन अफरीदी भी अपनी यॉर्कर बॉलिंग से कीवी बैटर्स का गुरूर तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में आप क्या नया बदलाव करना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। धन्यवाद।